हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे भारत राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, और हम चर्चाएं कर रहे थे मारवाड़ के इतिहास की। मारवाड़ के इतिहास के अंतर्गत हमने अजीत सिंह और अजीत सिंह बात काफ़ी कुछ पढ़ लिया था प्यारे। आज जो पढ़ने वाले हैं हम, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं भाई। देखिए चलिए, चलिए भीम सिंह, कौन सा राजा की बात करें, भीम सिंह की बात करने जा रहे के बाद शासक है यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं? भीम सिंह ये मारवाड़ का शासक बन जाता है। मारवाड़ का शासक कब बनता है भाई? इसके बारे में जो कहा जाता है कि ये जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, ये बनता है 1793। कब से बनता है भाई? 1793 में शासक बनता है और 1803 तक शासन रहता है। कहाँ तक? 1793 से शासक बनता है और 1803 तक शासन करता है। देखिएगा मेरे दोस्तों, क्या होता है किस समय, क्या कंडीशन होती है किसके समय? कृष्णा कुमारी, कौन सा? कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी की बात करें तो कृष्णा कुमारी जो थी ये मेवाड़ के शासक, किसकी बात करें? मेवाड़। और मेवाड़ के कौन थे? मेवाड़ के भी भीम सिंह थे। कौन थे? भीम सिंह ही थे, इनकी पुत्री हुआ करती थी। क्या थी ये? इनकी पुत्री थी, और इनकी पुत्री होने के पश्चात इसकी जो तो सगाई है, क्या सगाई कर दी जाती है? सगाई किसके साथ कर दी जाती है? भीम सिंह मारवाड़ के साथ। कहाँ का है? मारवाड़ के साथ इसकी सगाई कर दी जाती है, मारवाड़ वाले भीम सिंह के साथ। लेकिन कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है विवाह होने से पहले। विवाह होने से पहले, होने से पहले इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाने के पश्चात इसके बाद जो शासक बनेगा, के बाद जो शासक बनेगा प्यारे दोस्तों, कौन बनता है? इसका छोटा भाई मानसिंह शासक बनता है। कौन बनता है? इसका छोटा भाई मानसिंह शासक बनता है। अब मानसिंह जो शासक बनता है, किसकी बात करें? मानसिंह शासक बनता है। मानसिंह शासक बन जाता है, और मानसिंह जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, क्या कंडीशन होती है के टाइम पे बात करें, क्या कंडीशन होती है कि मानसिंह जब शासक बना, ये 1803 से ये 43 तक शासक करता। 1803 से 1843 तक, कब तक शासन करेगा भाई? 1803 से 1843 तक शासन करता है। 1843 तक शासन करता है, और इसी के पश्चात क्या कंडीशन होती है कि जो उसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए पूरा कृष्णा कुमारी विवाद समझ, ये मेवाड़, मेवाड़ का है, भीम सिंह ही था इसका नाम भी। क्या नाम था? भीम सिंह, राणा भीम सिंह। यहाँ पर राणा लगा देते हैं, मेवाड़ का है, और इधर मारवाड़ का, मारवाड़। और मारवाड़ का जो शासक था वैसे भीम सिंह था। कौन था भाई? भीम सिंह था। और ये भीम सिंह जी महाराजा भीम सिंह था। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती। इसके बाद शासक कौन बनता है? मानसिंह बनता है। कौन बनता है भाई? मानसिंह बनता है। मानसिंह बनता है। उधर आमेर की बात करें, किसकी बात करें? आमेर या जयपुर की बात करें, आमेर का शासक था जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह। और जगत सिंह कौन सा? सेकंड। जगत सिंह सेकंड शासक था। यहाँ पर मानसिंह सेकंड था। ये प्यारे दोस्तों इस सॉरी भीम मानसिंह सेकंड था। इसके पश्चात बात करें, इसका सबसे पहले सगाई का इसकी पुत्री थी, भीम सिंह की एक पुत्री थी। क्या नाम था? अभी जो चर्चा है कि पुत्री थी, की पुत्री का जो है कृष्णा कुमारी, इसका नाम क्या था? कृष्णा कुमारी। क्या नाम था भाई? कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी जाती है भीम सिंह के साथ। इसके साथ क्या होती है? सगाई होती है। क्या होती है भाई? सगाई होती है। इसके साथ इसकी सगाई होती है मारवाड़ के भीम।
लेकिन कहा जाता है इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के पश्चात इसकी सगाई जो कर दी जाती है प्यारे दोस्तों, सगाई कर दी जाती है जयपुर के जगत सिंह के साथ, सगाई कर दी जाती है जयपुर के जगत सिंह के साथ। अब ये मरी गया तो ये जयपुर के जगत सिंह के साथ इसकी सगाई कर दी जाती है। लेकिन कहा जाता है ये ही इस चीज को, भाई मर गया तो अब दूसरी जगह तो करेंगे, जवान बेटी को घर पे तो रख नहीं सकते, और घर पे नहीं रख सकते तो पता है आपको इसकी सगाई किसके साथ, इसके साथ फिर किसके साथ कर दी जाती है, इसके साथ कर दी जाती है जयपुर के जगत सिंह के साथ। अब कंडीशन क्या होती है पैर दोस्तों कि अब कंडीशन ये होती है कि इनके बीच की बात करें, किनके बीच की प्यारे दोस्तों, तो कंडीशन ये होती है कि ये इसका अपमान समझ लेता है, इस सगाई को क्या समझ लेता है कि मारवाड़ में मैं शासक बना हूं तो मेरे साथ सगाई करनी चाहिए, जगत सिंह के साथ क्यों कर दी, तो ये इसका अपमान समझ लेता है। कौन समझ लेता है भाई अपमान? अपमान ये समझ लेता है, अर्थात मानसिंह समझ लेता है, मानसिंह अपमान समझ लेता है इस चीज को। तो अपमान समझने के पश्चात कहा जाता है कि इसे धमकी भरे पत्र लिखता है। क्या लिखता है कि ये तो मेरी थी, मेरे लिए होनी, मेरी ही होनी चाहिए, और इधर से इनको भी धमकाता है, इनको दोनों को धमकी देता है। किसको धमकी देता है कि की सगाई तो मेरे साथ करनी चाहिए आपको, और कहा जाता है दोनों को धमकी देता है। धमकी देने के पश्चात क्या कंडीशन होती है, देने के पश्चात ये कंडीशन पैर दोस्तों कि जब मानसिंह ने उसको पत्र लिखा, किसको, भीम सिंह जो मेवाड़ वाला था, उसको पत्र लिखा कि आपने बहुत गलत किया, कि क्या गलत किया, कि गलत ये किया कि आपकी बेटी की सगाई पहले मेरे भाई से उस रो रखी थी तो मैं तो जिंदा था, मेरे साथ करनी चाहिए, आपने जयपुर वालों के साथ क्यों की। बात ऐसी है कि ये तो कोई विशेष बात नहीं है, और मेरी जमेगी जहाँ करूँगा भाई, इसमें आपका कोई वो ऐसा विशेष रोल नहीं है। तो चीज़ को ये अपमान समझ लेता है, नहीं कि आपकी सगाई, इसकी सगाई तो मेरे साथ ही करनी पड़ेगी। तो क्या कंडीशन होती, कहा जाता है कि ये इसको चुनौती दे देता है। चुनौती दे देने के पश्चात दोनों के बीच में का युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध होता है। तो गिंगोली का युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध। और गिंगोली का युद्ध जब होता है प्यारे दोस्तों, ये कब होता है, ये होता है 1807 में। कब होता है प्यारे दोस्तों, 1807 में गिंगोली का युद्ध होता है। गिंगोली के युद्ध किस किस के बीच होता है, ये युद्ध होता है एक तो मानसिंह, कौन, मानसिंह जो मारवाड़ का था, वरसेज, कौन था प्यारे दोस्तों, इसके साथ जगत सिंह था, जगत सिंह। और जगत सिंह कहाँ का सेकंड था, जगत सिंह मारवाड़, सॉरी आमेर का शासक हुआ करता था। कहाँ का शासक हुआ करता था, आमेर का शासक हुआ करता था। और इसी के बारे में कहा जाता है, चलिए का बात करते हैं, इसी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर किसकी अब कंडीशन होती है कि ये मानसिंह पराजित हो जाता है। में विजय कौन होता है, में विजय होता है कौन होता है भाई, में जगत सिंह ये हो जाता है, इसका साथ देता है, इसका सहयोग देता है अमीर खां पिंडारी। कौन, अमीर खां पिंडारी, पिंडारी था ये, और इस अमीर खां पिंडारी ने इसका साथ दिया। और इसका साथ देने के पश्चात कहा जाता है मानसिंह की पराजय हो जाती है। लेकिन पराजित होने के बाद भी मानसिंह जब चुप चुप बैठता तो भीम पत्र लिखता है कि ये गलत हुआ, ये वो। तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों, कौन जो है आपका भीम सिंह, कौन सा भीम सिंह, तो भीम सिंह का मेवाड़ वाला, भीम सिंह मेवाड़ वाला, कौन सा मेवाड़ वाला जो भीम था, वो अपनी पुत्री ना कुमारी को, हाँ कुमारी को अमीर का पिंडारी के कहने पर, अमीर हाँ पिंडारी के कहने पर शहर दे देता है, शहर दे देता है, ठीक है। और जिससे क्या हो जाता है, 1810 में कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। हाँ कुमारी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अर्थात इसने क्या कहा कि भाई सबसे पहले लड़ाई की जड़ कौन है, लड़ाई की जड़ है कृष्णा कुमारी, तो कृष्णा कुमारी को भी मार दिया जाए तो
तो अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कहा जाता है। ऐसा कहने के पश्चात भीम सिंह इस चीज को सही मानता है और लड़ाई खत्म करने के लिए अपनी पुत्री को ही मार देता है। इस पूरे विवाद को कृष्णा कुमारी विवाद कहा जाता है। पूरे विवाद को क्या कहा जाता है? कृष्णा कुमारी कुमारी विवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कृष्णा कुमारी विवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णा कुमारी विवाद कहते हैं। इस पूरे विवाद को जो पूरे घटनाक्रम होता है उसको कृष्णा कुमारी विवाद कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। चलेगा पहले दोस्तों, ये तो कृष्णा कुमारी विवाद हो गया। इसके पश्चात क्या क्या घटनाएं देखने को मिलती है शासन काल के हैं, क्या क्या चीजें और देखने को मिलती है वो भी जिक्र। मानसिंह कहा जाता है कि इसका जो प्रधानमंत्री हुआ करता था, मानसिंह का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह को नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री। किसका? मानसिंह की बात करें का प्रधानमंत्री प्रधान मंत्री तो बनाते हैं, प्रधानमंत्री जो बनाते हैं पोखरण के ठाकुर पोखरण पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह को बनाते हैं। सवाई सिंह बनाया गया ठीक है। तो प्रधानमंत्री को बनाया गया भाई, पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह बनाया गया। और इसके पश्चात बात करें इसका जो उपमान उपनाम देखने को मिलता है सन्यासी राजा देखने को मिलता है। क्या मिलता है इसका उपनाम? उपनाम 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 की बात करें तो इसका जो नाम मिलता है पर दोस्तों सन्यासी राजा, सन्यासी राजा को कहते हैं भाई, मानसिंह को कहते हैं क्योंकि ये नाथ संप्रदाय का इसके गुरु थे आयसनाथ। कौन थे ये? जो गुरु हुआ करते थे आयस देवनाथ, आयसनाथ के गुरु हुआ करते थे। ये नाथ संप्रदाय का क्या था? प्रवर्तक था। ये क्या था? नाथ संप्रदाय का क्या हुआ करता था प्यारे दोस्तों? नाथ संप्रदाय को मानता था। क्या मानता? नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। का अनुयायी था, अनुयायी था, नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। कौन था भाई ये? आपका मानसिंह के इसका नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। की बात कर रहे हैं हम मानसिंह की बात कर रहे हैं, मानसिंह की बात कर रहे हैं ठीक है, मानसिंह की बात कर रहे हैं मानसिंह से ठीक है, मानसिंह से मारवाड़ का शासक है चर्चाएं कर रहे हैं। अब कहा जाता है प्यारे दोस्तों तो इसके अलग अलग देखने को मिलते हैं इसके द्वारा इस नाथ संप्रदाय को मानता था। नाथ संप्रदाय के द्वारा कहा जाता है कि इनके गुरु थे आयसनाथ। आयसनाथ ने क्या की थी? इसकी राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। आयसनाथ ने मानसिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी कि भविष्यवाणी की क्या की भाई? मानसिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी किसने की थी? आयसनाथ के द्वारा की गई थी। अर्थात कि ये राजा बनेगा, आगे चलकर क्या बनेगा? राजा बनेगा। ऐसी भविष्यवाणी किसने की थी? ये मानसिंह के आयसनाथ के द्वारा अर्थात इसके द्वारा भविष्यवाणी की जाती है। और बात करें प्यारे दोस्तों इसने कुछ रचनाएं भी लिखी नाथ संप्रदाय से संबंधित रचनाएं, मानसिंह की रचनाएं, मानसिंह और मानसिंह की क्या है रचना की बात करें, मानसिंह की रचना की बात करें तो प्यारे दोस्तों ये नाथ संप्रदाय से संबंधित रचना भी लिखता है। और इन रचनाओं में नाथ पुराण, नाथ जी की वाणी, नाथ चरित्र, नाथ पुराण नाथ चरित्र नाथ जी की वाणी
और कृष्ण विलास, कृष्ण विलास ये किसकी रचनाएं मानी जाती है? मानसिंह की रचनाएं भी मानी जाती है जो नाथ संप्रदाय से संबंधित मानी जाती है। नाथ पुराण लिखा गया है, नाथ चरित्र इसके द्वारा लिखा गया, नाथ जी की वाणी इसके द्वारा लिखी गई, कृष्ण विलास इसके द्वारा लिखी गई। ये सारी रचनाएं किसकी मानी जाती है भाई? ये मानसिंह की रचनाएं मानी जाती है जो नाथ संप्रदाय से संबंध रखती है। नेक्स्ट बात करें प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय में कहा जाता है कि महामंदिर जोधपुर का निर्माण, नाथ संप्रदाय के महामंदिर जोधपुर का निर्माण इसी के द्वारा करवाया जाता है। क्या महामंदिर, महा मंदिर, और महामंदिर कहाँ पर पड़ता है भाई? महामंदिर जो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है, नाथ संप्रदाय का केंद्र, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय संप्रदाय का केंद्र, नाथ संप्रदाय का केंद्र माना जाता है। ये कहाँ पर है भाई? जोधपुर में। कहाँ पर प्यारे दोस्तों? जोधपुर में, ठीक है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है महामंदिर जोधपुर। की बात करें प्यारे दोस्तों, तो क्या कंडीशन है कि प्रमुख केंद्र माना जाता है? इसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? इसका निर्माण की बात करें, इसका निर्माण, महामंदिर का निर्माण की बात करें, इसका निर्माण जो है मानसिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया भाई? मानसिंह के द्वारा करवाया गया, मानसिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मानसिंह के द्वारा करवाया गया महामंदिर जोधपुर का निर्माण। और बात करें कि मानसिंह ने नाथ पंथ संग्रह नामक ग्रंथ लिखा। एक कौन सा? मानसिंह ने क्या लिखा? नाथ पंथ या फिर मान पंथ नामक संग्रह लिखा। तो इसका एक ग्रंथ और लिख लेना पहले दोस्तों, यहां पर देखते हैं। इसका एक ग्रंथ, एक ग्रंथ की और रचना एक की, मानपंत नामक ग्रंथ लिखा। का एक ग्रंथ और था मानपंत नामक ग्रंथ, लिखा, ठीक है। मानपंत नामक ग्रंथ भी इसी के द्वारा लिखा गया था। और बातें करें तो मानसिंह के द्वारा क्या किया गया था पर दोस्तों? मानसिंह ने बिहारी सत्सई पर टीका भी लिखी थी। क्या लिखी थी भाई? बिहारी सत्सई पर टीका भी लिखी थी मानसिंह ने। बिहारी सत्सई, बिहारी सत्सई सत्सई बिहारी सत्सई बिहारी सत्सई बिहारी सत्सई पर टीका लिखी। क्या लिखी? अर्थात पुस्तक का छोटा रूप, पुस्तक का छोटा रूप उस टीका कहलाता है। क्या कहलाता है? बिहारी सत्सई लिखी, यानी शॉर्ट नोट से एक तरीके से तैयार किए जाए तो क्या कहते हैं भाई? एक प्रकार से उसको टीका कहते हैं। क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। चलिए ठीक चलिए नेक्स्ट बात करें। चलिएगा मानसिंह के बारे में चर्चाएं करें प्यारे दोस्तों। और बात करें, देखिए इसी के द्वारा चार्ल्स मेटकॉक के कहने पर कहा जाता है कि अंग्रेजों से शाही संधि की गई। अंग्रेजों से शाही संधि करने वाला कौन सा शासक था? इस समय अंग्रेजों से शाही संधि की थी 1818 में। 1818 में चार्ल्स मेटकॉक के कहने पर उसने शाही संधि की थी। चार्ल्स मेटकॉक के कहने पर, चार्ल्स चार्ल्स मेटकॉक के कहने पर कहने पर इसने अंग्रेजों से, सहायक संधि की, सहायक संधि की थी। की थी भाई? ये भी मानसिंह के द्वारा अंग्रेजों से सहायक संधि की गई थी।
याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। और कब की गई थी ये? 6 जनवरी, 6 जनवरी 1818 को, 6 जनवरी 1818 को इस साहिक संधि कर ली गई थी, इसके द्वारा मानसिंह के द्वारा अंग्रेजों से साहिक संधि की गई थी 6 जनवरी 1818 को। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है प्यारे साथियों। और क्या क्या चर्चाएं करें, यहाँ पर जो चर्चाओं का विषय है, मानसिंह पुस्तकालय का निर्माण इसने कहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग में करवाया निर्माण करवाया था। मानसिंह पुस्तकालय का निर्माण करवाया था इसने मेहरानगढ़ दुर्ग में। मानसिंह पुस्तकालय का निर्माण मैरानगढ़ दुर्ग में करवाया। कहां पर करवाया? मैरानगढ़ दुर्ग में मानसिंह पुस्तकालय का निर्माण करवाया। किसके द्वारा करवाया गया? मानसिंह के द्वारा करवाया गया। यदि अपने नाम पर एक पुस्तकालय बनवाया जिसके नाम क्या, मानसिंह पुस्तकालय रखा, ठीक है चलेगा। अब आगे बात करें तो इसके दरबारी विद्वानों की बात करें, कई सारे दरबारी विद्वान हुए हैं इसके के दरबारी विद्वान, चलेगा दरबारी विद्वान। चलेगा प्यारे दोस्तों, दरबारी विद्वानों के नाम देखें तो यहाँ पर जो देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो मनोहर दास, सेवक दौलतराम, मनोहर दास, सेवक दौलतराम, के दरबारी विद्वान थे। और भी देखने को नाम मिलते हैं प्यारे साथियों, क्या क्या मिलता है? इसके बाद बागीराज, गाडूराम, ये सारे इसके दरबारी विद्वान देखने को किसके मिलते हैं प्यारे दोस्तों? मानसिंह के दरबारी विद्वान मिलते हैं। एरिनपुरा छावनी की स्थापना कहा जाता है कि इसके समय हुई थी, जो 1857 की क्रांति के दौरान एरिनपुरा छावनी देखते हैं प्यारे दोस्तों। एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा छावनी, छावनी की स्थापना स्थापना के समय हुई थी, के समय हुई किसके समय? मानसिंह के समय, ठीक है। स्थापना कब हुई? एरिनपुरा छावनी की स्थापना मानसिंह के समय हुई है लगभग कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ये किसके बारे में जानकारियां ले रहे थे हम? मानसिंह के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके बारे में चर्चाएं कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद जो शासक बनता है आपका तख्त सिंह, कौन बनता है? तख्त सिंह कौन बनता है भाई? तख्त सिंह शासक बनता है, तख्त सिंह शासक बनता है। मानसिंह के बाद तख्त सिंह शासक बनता है, और तख्त सिंह शासक बनता है प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि इसका जो शासन काल माना जाता है 1843 से लेकर 1873 तक माना जाता है। कहाँ तक माना जाता है? 1843 से लेकर 1873 तक इसका शासन काल माना जाता है। किसका? तख्त सिंह। तख्त सिंह का बात करें तो प्यारे दोस्तों 1857 की क्रांति इसी के बीच में हुई, यानी कि 1857 की क्रांति के समय कहा जाता है कि ये यहाँ का क्या था? शासक हुआ करता था। इसके राज्याभिषेक के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के राज्याभिषेक भाग लिया था भाई, पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने इसके राज्याभिषेक में भाग लिया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट लुडलो, लुडलो ने इसके राज्याभिषेक में के राज्याभिषेक में भाग लिया, राज्याभिषेक में भाग लिया, ये विशेष रूप से ध्यान रखें।
पश्चात बात करें, इसी के द्वारा कहा जाता है कि इसके समय पर नाथों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था, और नाथों के द्वारा विद्रोह कर देने के पश्चात तक्षशिला ने नाथों के विद्रोह का दमन किया। नाथों के विद्रोह का दमाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तक्षशिला के द्वारा किया जाता है। तो इसने नाथों के विद्रोह को शांत किया, नाथों के विद्रोह को शांत किया। क्या किया भाई? इसने नाथों के विद्रोह को शांत किया, यानी कि नाथों को द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, उसको तो शांत करने का कार्य के द्वारा किया जाता है आपके तख्त सिंह के द्वारा। 1870 में कहा जाता है जब ये लॉर्ड मेयो अजमेर आया तब ये नहीं गया, ठीक है। 1870 में जब लॉर्ड मेयो अजमेर आया था तो उसमें अजमेर ये उपस्थित नहीं हुआ था लॉर्ड मेयो के समय 1870 में, ठीक है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। 1870 में जब लॉर्ड मेयो अजमेर आया, अजमेर आया तो यह नहीं गया, मतलब वहां पर उसके दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, नहीं गया, ठीक है, याद रखना। लॉर्ड मेयो के दरबार में ये उपस्थित नहीं हुआ था। कौन? तख्त सिंह, कि जोधपुर की ओर से कोई शासक उसमें भाग नहीं लिया था। पर दोस्तों याद रखें, तो पश्चात चर्चाएं करें तो कहा जाता है कि 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का जो शासक था वो भी कौन ही था? ये ही था। 1857 की क्रांति देखिए इसका शासन का, 1857 की क्रांति के समय, मारवाड़ का शासक, मारवाड़ का शासक कौन था भाई? तक्षशिला। 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का शासक तक्षशिला था, जिसने कहा जाता है अंग्रेजों का सहयोग किया था। क्या किया था? अंग्रेजों का सहयोग किया था, और अंग्रेजों का सहयोग करने के पश्चात कहा जाता है प्यारे दोस्तों के द्वारा अजमेर की सुरक्षा के लिए सेना भी भेजी गई थी, इसके द्वारा तक्षशिला के द्वारा, याद रखना, अजमेर की सुरक्षा के लिए इसके द्वारा सेना भी भेजी गई थी तक्षशिला। और चर्चाएं करें प्यारे साथियों तो क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलती है यहाँ पर। जोधपुर में श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया इसने, क्या करवाया? जोधपुर दुर्ग में श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया। जोधपुर दुर्ग में, श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया, श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया, चौकी का निर्माण, ठीक है, निर्माण करवाया यहां पर। इस पर जोधपुर के राजाओं का राज्याभिषेक या राज तिलक, राज तिलक होता था, इस पर क्या होता था? राजाओं, जोधपुर के महाराजाओं का राज तिलक हुआ करता था पर भाई, श्रृंगार चौकी पर, याद रखना। मेयो कॉलेज में की स्थापना के लिए कहा जाता है किसने? 1 लाख रुपए का चंदा दिया था तक्षशिला के द्वारा। किसके? मेयो कॉलेज की स्थापना जो की गई थी में कहा जाता है तख्त सिंह के द्वारा 1 लाख रुपए का चंदा दिया गया था। मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज के निर्माण के लिए, एक लाख रुपए का चंदा दिया, ठीक है, इसके द्वारा भाई तख्त सिंह के द्वारा 1 लाख रुपए का चंदा दिया गया मेयो कॉलेज के निर्माण के लिए। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, मेयो कॉलेज के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का चंदा कौन देता है आपका? तख्त सिंह देता है। चलिएगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है प्यारे दोस्तों के बारे में, तख्त सिंह के बारे में।
शासन काल में मारवाड़ के प्रथम छापा खाना और स्कूल खोली गई थी। मारवाड़ में कहा जाता है इसी के शासन काल में क्या किया गया था, प्रथम छापा खाना खोली गई थी। तख्त सिंह के काल में, तख्त सिंह के काल में मारवाड़ में प्रथम छापा खाना व स्कूल खोला। प्रथम छापा खाना और स्कूल इसी के शासन काल में खोला गया था। किसके शासन काल में? तख्त सिंह शासन काल में खोला गया था वो। और बात करें प्यारे दोस्तों, कन्यावध और समाधि प्रथा पर रोक भी इसी के द्वारा लगाई गई थी। की बात करें कन्यावध व समाधि प्रथा पर रोक के द्वारा लगाई गई के द्वारा यानी कि तख्त सिंह के शासन काल में कन्यावध और समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तख्त सिंह के द्वारा ही लगाई गई थी प्यारे दोस्तों। प्रथा, इन प्रथाओं को बड़ा अभिशाप समझा जाता था उस समाज में। उस समाज में तो अच्छी लगती थी, लेकिन वर्तमान समाज में देखा जाए तो कन्यावध अर्थात पैदा होने से पहले ही पुत्री को मार देना या पैदा होने के बाद पुत्री को मार देना, प्यारे दोस्तों ये वाली कंडीशन थी। समाधि प्रथा आप जानते हो, पति के मर जाने के बाद की पत्नी है वो समाधि ले लेती थी या फिर प्रकार से सती हो जाती थी, वो भी समाधि प्रथा एक प्रकार से। समाधि प्रथा वास्तव में तो ये होती है कि कोई भी व्यक्ति जिंदा जमीन में बैठ जाता था, खड्डा खोदकर उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती थी, जाता था कहलाती थी। लेकिन किसी प्रकार से रोक लगाई गई के ऊपर वो किसके द्वारा लगाई गई? तख्त सिंह द्वारा लगाई गई। चलेगा प्यारे दोस्तों, बात जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, तख्त सिंह के बाद जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड शासक बनता है कहाँ का? मारवाड़ का। और जसवंत सिंह सेकंड शासक बनता है प्यारे दोस्तों मारवाड़ का। मारवाड़ का शासक बनने के पश्चात बात करें तो इसका जो शासन काल माना जाता है ये 73 से लगाकर 95 तक शासन काल माना जाता है। कहाँ तक शासन काल माना जाता है भाई? 73 से लेकर 95 तक इसका शासन काल माना जाता है, यानी कि 1873 से लेकर 1895 तक इसका शासन काल माना जाता है। जसवंत का शासन काल माना जाता है ये सेकंड है। और प्रथम जो जसवंत सिंह था वो औरंगजेब के टाइम पर हुआ था, उसकी भी चर्चाएं की थी प्यारे दोस्तों, ये बहुत विस्तार से चर्चाएं की के बारे में क्लास में आप देख सकते हैं प्यारे साथियों। तो अब बात करने जा रहे हैं हम जसवंत सिंह की, और जसवंत सिंह सेकंड की बात करने जा रहे हैं। चलिएगा, इन्होंने कहा जाता है कि 1875 में कलकत्ता दरबार और 1877 में दिल्ली दरबार में भाग लिया, और 1879 में अंग्रेजों से नमक समझौता किया था। क्या? सबसे पहले तो 1875 में कहा जाता है कि कौन से दरबार में भाग लिया था इन्होंने? कहा जाता है कि कलकत्ता दरबार में भाग लिया। कौन से में? कलकत्ता दरबार में, कलकत्ता दरबार में भाग लिया, दरबार दरबार में भाग लिया। और इसी के साथ बात करें 1877 में, 1877 में दिल्ली दरबार में भाग लिया, दरबार में भाग लिया। ठीक है, इसके बाद बात करें प्यारे दोस्तों 1879 में अंग्रेजों से नमक समझौता किया। क्या भाई? अंग्रेजों से नमक समझौता किया। ये 1879 में नमक समझौता किया जाता है। 77 में दिल्ली दरबार, कलकत्ता दरबार में, 77 में दिल्ली दरबार में, और क्या क्या किया जाता है प्यारे दोस्तों दिल्ली, इसके द्वारा क्या किया जाता है? नमक समझौता किया जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी के समय 1881 में प्रथम जनगणना की गई थी, कहां पर? जोधपुर में।
किसके समय भाई, मान जसवंत सिंह के समय 1881 में मारवाड़ में या जोधपुर में क्या प्रथम जनगणना की गई थी। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, इसी के समय, इसी के समय मारवाड़ में 1881 में प्रथम जनगणना की गई थी, जनगणना की गई थी, प्रथम जनगणना अर्थात यहां पर देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों, ये प्रथम जनगणना मानी जाती है 1881 में, कहां पर, मारवाड़ में। इसी के समय कहा जाता है 1889 में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे, कब, 1889 में। कब की बात करें प्यारे दोस्तों, 1889 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती, कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती, किसकी बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, सरस्वती मारवाड़ आए, मारवाड़ आए, ठीक है, 1889 में स्वामी दयानंद सरस्वती मारवाड़ आए। कहा जाता है कि मारवाड़ आ जाने के पश्चात ये जो जसवंत सिंह था, इसकी एक प्रेमिका हुआ करती थी, नन्नी जान नामक प्रेमिका थी, जो वेश्या हुआ करती थी प्यारे दोस्तों, ये एक वेश्या थी नन्नी जान, और नन्नी जान को इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था प्यारे दोस्तों, कई सारे निर्णयों में ये भाग लेने लग गई थी। और एक उसी के सामने कहा जाता है जब इनका स्वागत किया जा रहा था, स्वागत करने के दौरान क्या कंडीशन होती है कि ये नन्नी जान की पालकी को उठाकर अपने माथे पर रख लेता है, पर रख लेता है जसवंत सिंह नन्नी जान की पालकी को उठाकर, जो थी उसको अपने माथे पर रख लेता है नन्नी जान को, पालकी को, जिसको कहा जाता है कि ये दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती अर्थात राजा का अपमान समझते हैं, राजा का अपमान समझने के कारण दयानंद सरस्वती इसको भली बुरी, अच्छी भली सुनाते हैं। तो जसवंत सिंह को साले कायर की थी, ये वेश्याएं मिली तेरे को, ये करने में, वो करने में, कहा जाता है कि तू लुगाई का चमचा बन रहा है, ये कई सारी चीजें इसको सुना देते हैं। सुना देने के पश्चात प्यारे दोस्तों, नन्नी जान के द्वारा, नन्नी जान के द्वारा, और कहा जाता है कि गोड मिश्र एक रसोईया था, उसके उसके सहयोग से नन्नी जान ने क्या दयानंद सरस्वती के भोजन में क्या मिला दिया, जहर मिला दिया, स्लो पॉइजन मिला दिया, कारण मिला दिया प्यारे दोस्तों, इस कारण दयानंद सरस्वती की यहाँ से निकल जाते हैं, निकल जाने के बाद अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है प्यारे दोस्तों। दयानंद सरस्वती यहाँ आने के बाद नन्नी जान और गोड मिश्र के रसोईया था इसका, उनके सहयोग से जहर मिला दिया जाता है इनके, यहाँ से निकल जाते हैं, निकल जाने के बाद फिर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है अजमेर, ठीक है प्यारे दोस्तों। कहा जाता है कि ये नहीं, इनको इसका जसवंत सिंह का प्रधानमंत्री हुआ करता था प्रताप सिंह, जो इसका भाई था जसवंत सिंह का, प्रताप सिंह इसका क्या था, जसवंत सिंह का भाई हुआ करता था, और जसवंत सिंह का भाई था प्रताप सिंह, जो इसका प्रधानमंत्री भी था, और प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इनको न्योता, इनको बुलाने का कार्य किसने किया था, प्रताप सिंह के द्वारा ही किया गया, इनको जो बुलाया था दयानंद सरस्वती को बुलाया गया था, किसके द्वारा, प्रताप सिंह के द्वारा बुलाया गया था, ठीक है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना, जसवंत सिंह की प्रेमिका, तो यहां पर देखिएगा, जसवंत सिंह की प्रेमिका नन्नी जान, नन्नी जान वह रसोइये गोड मिश्र, गोड मिश्र द्वारा दयानंद सरस्वती के भोजन भोजन में जहर मिला देने के कारण, जहर मिला देने कारण इनकी मृत्यु मृत्यु अजमेर में हो जाती है, ठीक है। अब बात करें का प्रधानमंत्री, प्रधान मंत्री प्रताप सिंह था,
प्रताप सिंह था। कौन था भाई इसका प्रधानमंत्री? प्रताप सिंह था। इसका भाई भी था ये, क्या था? इसका भाई भी था। इसी ने दयानंद सरस्वती को, दयानंद सरस्वती को मारवाड़ बुलाया, मारवाड़ बुलाया। किसने बुलाया भाई? दयानंद सरस्वती को के भाई, यानी कि इसका प्रधानमंत्री ने कहाँ बुलाया? मारवाड़ बुलाया। चलिएगा प्यारे दोस्तों, ये सारी चीजें किसके बारे में पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों? जसवंत सिंह सेकंड के बारे में, जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, जोधपुर में कहा जाता है कि प्रथम नगर पालिका की स्थापना 1884 में इसी के शासनकाल में होती है। जोधपुर में प्रथम नगर पालिका की स्थापना 1884 में होती है, ठीक है? इसी के शासन काल, इसी के शासनकाल में प्रथम नगर पालिका की स्थापना इसी के शासनकाल में की जाती है। जसवंत सिंह लंदन में हुए विक्टोरिया के 50वें शासन काल में गोल्डन जुबली में समारोह में कहा जाता है कि प्रताप सिंह ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? लंदन में रानी विक्टोरिया के जो 50 वर्ष पूरे हुए थे तो गोल्डन जुबली मनाई गई थी, तो उसमें प्रताप सिंह ने भाग लिया था, जो जसवंत का भाई था या प्रधानमंत्री हुआ करता था, लंदन में हुआ था। चलिए बात करते हैं प्यारे दोस्तों, प्रताप सिंह ने कहा जाता है कि कायलाना झील का निर्माण करवाया था। कायलाना झील बीकानेर में बनी हुई है, इसका निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने, इसका प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने कायलाना झील का निर्माण करवाया, झील का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है मेरे दोस्तों, कायलाना झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? प्रताप सिंह, ठीक है? कायलाना झील का निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो इसका दरबारी विद्वान हुआ करता था या इसका प्रधानमंत्री हुआ करता था। चलेगा प्यारे दोस्तों, इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है सरदार सिंह। कौन बनता है? सरदार सिंह। और ये सरदार सिंह जो है प्यारे दोस्तों, इसके द्वारा एक विशेष कार्य करवाया गया था, जसवंत थड़ा का निर्माण करवाता है, जो कहा जाता है कि जसवंत मानी जाती है, जहां पर जसवंत वहां पर क्या जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया जाता है 1799 में। कब करवाता है प्यारे दोस्तों? 1799 में के द्वारा करवाया जाता है। चलिए कब, तो इसके शासनकाल की बात करें तो 1895 से 1911 तक, 1895 से 1911 तक ये शासन करता है प्यारे दोस्तों। इसके बाद में जो शासक बनता है सरदार सिंह बन जाता है। और सरदार सिंह की बातें करें, यहाँ पर जो देखने को मिलता है, जोधपुर में कहा जाता है 1906 में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाता है, जिसे, ठीक है, सॉरी भाई, 1899 मेरे मुझे, जोधपुर में सरदार सिंह ने 1906 में, कब की बात करें प्यारे दोस्तों? 1906 ईस्वी में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? करवाया जिसे जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसे इसे राजस्थान का ताजमहल राजस्थान राजस्थान का ताजमहल क्या कहते हैं भाई? ताजमहल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, जबकि हाड़ौती का ताजमहल अबड़ी मीले के महल को कहा जाता है। तो कहा जाता है हाड़ौती का ताजमहल अबड़ी मीले के महल को कहा जाता है, जो कोटा में स्थित है प्यारे दोस्तों। यहाँ हाड़ौती का ताजमहल नहीं, यहाँ पर राजस्थान के ताजमहल की बात कर रहे हैं। और राजस्थान के ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा? सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों,
सरदार सिंह की बात करें तो ये पोलो का खिलाड़ी हुआ करता था। क्या? ये पोलो का खिलाड़ी हुआ करता था, पोलो खेलता था। और कहा जाता है कि ये इसने बॉक्सर युद्ध में, कहा जाता है अंग्रेजों की सहायता के लिए इसने भाग लिया था बॉक्सर युद्ध में। बॉक्सर युद्ध जो गंगा सिंह ने नेतृत्व किया था पहले दोस्तों, अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए इसने भाग लिया था बॉक्सर युद्ध में। और बॉक्सर युद्ध में कहा जाता है चीन में सेना भेजी थी। ये चलेगा, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, सरदार सिंह। सरदार सिंह पोलो का खिलाड़ी था। कौन सा? पोलो खेल का खिलाड़ी था। पोलो खेल का खिलाड़ी था। क्या था भाई? पोलो खेल का खिलाड़ी था। पोलो खेल का खिलाड़ी था कौन? सरदार सिंह। ठीक है, इसके पश्चात बात करें प्यारे दोस्तों तो इसने बॉक्सर युद्ध में अंग्रेजों की सहायता है तो चीन सेना भेजी थी। बॉक्सर युद्ध में, बॉक्सर युद्ध में अंग्रेजों की सहायता हेतु, अंग्रेजों की सहायता हेतु चीन सेना भेजी थी। अर्थात बॉक्सर युद्ध हुआ था, बॉक्सरों का युद्ध का दमन किसके द्वारा किया गया था? गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। जो बीकानेर का शासक था गंगा सिंह, उसके द्वारा दमन किया गया था। लेकिन उसके सहयोग के लिए इसने क्या भेजी थी भाई? सेना भेजी थी। याद रखिएगा ये किसके द्वारा भेजी गई थी। चलिएगा, जोधपुर में घंटाघर का निर्माण करवाया था इसके द्वारा। जोधपुर में घंटा घर बनवाया, के द्वारा बनवाया गया भाई। जोधपुर में घंटाघर का निर्माण किसके द्वारा? इसी के द्वारा। जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोधपुर को, नोट लगाकर लिख लेना, जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है। तो जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है। किसका? पोलो खेल का घर कहा जाता है। पोलो का घर कहते हैं, घर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है। ये सारी चीजें किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? सरदार सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। 1911 में कहा जाता है कि, चलिएगा चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे दोस्तों किसकी। 1911 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के पश्चात कौन? सुमेर सिंह। कौन शासक बनता है? सुमेर सिंह। कौन बन जाता है? सुमेर सिंह शासक बनता है। और सुमेर सिंह कहाँ से? 1911 में शासक बनता है। कब बनता है भाई? 1911 में इसकी मृत्यु के पश्चात सुमेर सिंह शासक बनता है। और सुमेर सिंह कहाँ तक? 18 तक रहता है। कहाँ तक रहता है? 1918 तक शासन करता है। 1918 ईस्वी तक शासन करता है। और ईस्वी के शासन काल में क्या क्या घटनाएं होती है? 1911 में कहा जाता है क्या? जॉर्ज पंजत सिंह के राज्य रोहण में भाग लिया, ठीक है। और 1911 में ही दिल्ली दरबार में भी भाग लेता है, जॉर्ज पंचम के। 1911 में, 1911 में जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण में भाग लिया, ठीक है। और 1911 के 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लिया, 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 ठीक है, भाग लिया, ठीक है। ये किसके द्वारा लिया जाता है भाई? सुमेर सिंह के द्वारा दिल्ली दरबार में भाग लिया जाता है। इसके पश्चात बात करें प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की इसने। प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की, अंग्रेजों की सहायता की किसने की भाई? ये भी सुमेर सिंह के द्वारा की जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना भेजता है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इसे जीटीबी और लेफ्टिनेंट की उपाधि दी। अंग्रेजों ने इसे जीटीबी व लेफ्टिनेंट की उपाधि दी। क्या उपाधि दी? ठीक है प्यारे दोस्तों, तो उपाधि देता है। और किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा इसको दी जाती है उपाधि। चलेगा, इसके पश्चात जो नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों, कहा जाता है
चलिए इसके बाद जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों उम्मेद सिंह की बात करें, उम्मेद सिंह की बात करें, बात करें प्यारे दोस्तों उम्मेद उम्मेद सिंह किसकी बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों जहां पर 1918 से लेकर 1947 तक शासन रहता है, कहां तक रहता है 1918 से लेकर कहां तक 1947 तक शासन करता है, चलिएगा 1918, 1918 से लेकर 1947 तक शासन करता है, कौन करता है भाई, उम्मेद सिंह शासक करता है मारवाड़ पर। अब मारवाड़ का शासक बन जाता है और इसे किस किस क्या क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, तो मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है, मारवाड़ का कर्णधार कहा जाता है उम्मेद सिंह को, और जमाई बांध पाली का निर्माण करवाता है, चित्र पैलेस या उम्मेद पैलेस का निर्माण करवाता है, कौन करवाता है, उम्मेद सिंह। ठीक है, अकाल रात कार्य के दौरान, ठीक है 1929 से लेकर चलिएगा, एक तो इसे मारवाड़ का कर्णधार कहा जाता है, कर्णधार कहते हैं, मारवाड़ का कर्णधार कहा जाता है, और क्या कहा जाता है भाई, मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है, वह मारवाड़ का निर्माता, मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निर्माता, मारवाड़ का निर्माता कहते हैं, क्या कहते हैं भाई। चलिएगा और बातें करें तो क्या जानकारियां मिलती है भाई उम्मेद सिंह के बारे में, देखिएगा इसी के समय क्या कंडीशन होती है, इसके द्वारा जमाई बांध का निर्माण करवाया जाता है, किसके द्वारा भाई, उम्मेद सिंह के द्वारा ही जमाई बांध का निर्माण करवाया जाता है, जमाई बांध का निर्माण, जमाई बांध का निर्माण करवाया गया, जमाई बांध का निर्माण करवाया गया, ठीक है, जमाई बांध का निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा ही करवाया जाता है, कहां पर, पाली में, कहां पर पड़ता है भाई, पाली में, कहां पर, पाली में जमाई बांध का निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया। और क्या क्या घटनाएं देखने को मिलती है, चितर पैलेस या उम्मेद पैलेस का निर्माण करवाया, चितर पैलेस या उम्मेद पैलेस का निर्माण करवाया, उम्मेद पैलेस का निर्माण करवाया, पैलेस का निर्माण करवाया, क्या करवाया भाई, चितर पैलेस या उम्मेद पैलेस का निर्माण इसी के द्वारा करवाया जाता है। 1939 से 1929 से 1939 के बीच क्या करता है, ये अकाल राहत कार्य करवाया, 1929 से लेकर 1939, 1929 से लेकर 1939 के मध्य क्या अकाल राहत कार्य करवाया, अकाल राहत कार्य किया, राहत कार्य किया, ये भी किसके द्वारा, उम्मेद सिंह के द्वारा किया जाता है। मुख्य मुख्य घटनाएं हैं, 1833 में मारवाड़ राज्य का नाम बदलकर जोधपुर कर दिया और जमाई बांध बनवाया, ठीक है, ये 1833 में, कब 1833 में मारवाड़ राज्य का, 1833 में मारवाड़, मारवाड़ का, मारवाड़ राज्य का नाम जोधपुर करा, जोधपुर कर दिया, क्या कर दिया भाई, जोधपुर कर दिया, नाम बदलकर इसने क्या कर दिया, जोधपुर कर दिया। ये मुख्य मुख्य घटनाएं जो है इससे संबंधित मानी जाती है। और मारवाड़ का जो अंतिम शासक होता है प्यारे दोस्तों कौन होता है, हनुमंत सिंह, कौन होता है, हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह। और हनुमंत सिंह जो है प्यारे दोस्तों ये 1947 में शासक बनता है, और कब, इसी के समय राजस्थान का एकीकरण होता है, इसी के समय राजस्थान का एकीकरण होता है, राजस्थान का एकीकरण होता है, एकीकरण होता है, ठीक है, और स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय ये शासक था, ठीक है। और बात करें तो ये अंतिम शासक माना जाता है, कहाँ का, मारवाड़ का अंतिम शासक माना जाता है, क्या, मारवाड़ का अंतिम शासक माना जाता है, मारवाड़, मारवाड़ का अंतिम शासक, अंतिम शासक, ठीक है। और बात करें इसी की पत्नी, इसकी पत्नी थी कृष्णा कुमारी, की पत्नी कौन थी भाई, की पत्नी कौन थी, कृष्णा कुमारी, क्या नाम था उसका, कृष्णा कुमारी, जो मृत्यु 2018 में हुई, ये अंतिम राजमाता थी, पत्नी कृष्णा कुमारी, ठीक
मृत्यु की बात करें कि मृत्यु 2018 में हुई, अंतिम राजमाता थी, अंतिम राज माता थी, ठीक है। और एकीकरण में यहाँ पर मारवाड़ रियासत शामिल हो जाती है, ठीक है। पर दोस्तों ये था मारवाड़ का इतिहास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जोश और जुनून के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।